छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज वन, फेज टू इन ऑल दी इलेक्शंस दैट विल बी डन और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये एक ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं ये इसको मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6,000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट, कर्नाटका वाज 83 करोड़ इन 2017, फर्स्ट आई विल स्पीक द लास्ट इलेक्शन फिगर देन द रीसेंट, 83 विच इज इंक्रीज टू 384 करोड़। त्रिपुरा वाज 1.79 करोड़ इंक्रीज टू 45 करोड़। और त्रिपुरा में वॉयलेंस, यू ऑल रिमेंबर, 0, रीपोल 0, एंड दिस वॉज दी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दी सीजर्स। सो वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू इम्प्रूव दी ओवरऑल एनवायरमेंट ऑफ इलेक्शंस, बी इट वॉयलेंस, बी इट फ्रीबीज, बी इट द ईज ऑफ वोटिंग फॉर द थिंग, बी इट द इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन फेस ऑफ द एंटायर इलेक्टोरल रोल, ट्रांसजेंडर्स, PVTGs, सो it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections which happened there. Simultaneously this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, प्राइवेट एयरफील्ड्स, प्राइवेट अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स, ड्रग्स, बॉर्डर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ, स्टोरेज ऑफ गोडाउन इन द गोडाउन्स, ऑल गोडाउन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of a storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा। आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है। आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं। लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं और उन केसेस को हम जब भी वहां जाते हैं रिव्यू करते हैं। आपराधिक छवि के लोग को के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है। That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework that
उनके बारे में बताना वोटर्स को, ये हमारा कार्य है। जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है। जो आपने इलेक्टोरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, देर इज नो इलेक्टोरल रूल रिलेटेड वर्क विच इज एवर आउटसोर्स टू एनीबडी। सो लेट अस क्लैरिफाई दिस ऑल ओवर अगेन। किसी के पास में भी, इट इज अगेन थ्रू यू, द SSR वर्क इज स्टार्टिंग इन द एंटायर कंट्री, एक्सेप्ट द ऑफिशियल्स और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द BLOs। Nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. Or voters ke ghar mein house to house BLOs jayenge. और जहां तक आपने इलेक्टोरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की,